नमन छुट्टियों में अपने घर आया था तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली सुमन आई थी, उसकी बेटी शालू तेरे बारे में पूछ रही थी। अब तू घर आ ही गया है तो उनके घर भी चले जाना उनसे मिलने। सुमन बता रही थी कि उसकी बेटी शालू तेरे शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर नमन खुश हो गया और दूसरे दिन ही नमन अपनी माँ की सहेली सुमन और उसकी बेटी से मिलने गाँव चला गया। जब नमन वहाँ पहुँचा तो शालू घर पर अकेली थी। वह नमन को देखकर बहुत खुश हुई। शालू गजब की खूबसूरत थी। उसने जब नमन से कहा कि वह शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करना चाहती है तो नमन बहुत खुश हुआ और उससे कहा, तुम मेरे साथ शहर जाकर पढ़ना चाहती हो तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, वहाँ पर चुन्नी और दुपट्टे का फैशन नहीं है। यह कहकर नमन ने उसकी चुन्नी हटा दी तो शालू के सुडौल उभारों से उसके हाथ टकरा गए। उनकी छुअन से नमन के बदन में करंट का झटका लगा। शालू ने भी ऐसा ही झटका महसूस किया। वह हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो नमन ने फिर कहा, यह सलवार कुर्ता भी नहीं चलेगी, शहर में लड़कियां जींस टॉप पहनती हैं, तुम्हें भी यही पहनना होगा। वहाँ पर शहर की लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी तो तुम्हें उनकी तरह ही रहना होगा, तुम्हें लड़कों से दोस्ती करनी पड़ेगी, लड़कों से साथ तुम्हें वो सब करना होगा जो लड़कियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ करती हैं। ऐसा कहकर नमन उसकी ओर देखने लगा तो शालू शर्मा गई और बोली, शादी से पहले ऐसा करना पाप होता है, अगर तुम इतना सोचोगी तो तुम्हें गांव की ही जिंदगी जीनी पड़ेगी और तुम झाड़ू पोछा चौका चूल्हे के कामों में ही अपनी जिंदगी बिता दोगी। नमन ने फिर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, शहर में रहकर पढ़ाई करते हुए जिंदगी के मजे लेना। उसके बाद नमन बार बार उसके नाजुक अंगों को छूने लगा। उसके छुअन से शालू के तन बदन रोमांच से भर गया। वह जोश में आने लगी। शालू के माँ बाप किसी काम से पड़ोस के गांव में गए थे। वो शाम से पहले नहीं आ सकते थे, इसलिए वो दोनों घर पर अकेले थे। किसी और के आने का डर भी नहीं था। शालू धीरे से नमन से बोली, अंदर के कमरे में चलो। नमन ने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जब दोनों का मन भर गया तो शालू बादाम वाला दूध लाकर उसे पीने को दिया। दूध पीने के बाद नमन बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटने लगा। उसे लेटे हुए देखकर शालू का दिल फिर से उसके साथ वो सब करने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेट गई तो नमन बोला, अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा क्या? नहीं, मेरे दिल नहीं भरा। आज तुमने मुझे एक नया एहसास कराया है, मुझे बहुत मजा आया। शालू नमन के कपड़े उतारते हुए बोली। फिर से वही दौड़ चला, एक के बाद एक कई बार उन्होंने किया। अब दोनों ही थक चुके थे, अब उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब शालू के माँ बाप घर लौटे तो वो दोनों नमन को देखकर बहुत खुश हुए। शालू ने भी नमन की जमकर तारीफ की। माँ, मैंने नमन के साथ शहर जाकर पढ़ने का इरादा कर लिया है, अब मैं अपनी आगे की पढ़ाई शहर जाकर ही करूँगी। शालू के पिताजी यह सुनकर बहुत खुश हुए। तुम कल ही जाने की तैयारी कर लो, खूब दिल लगाकर वहाँ पर पढ़ाई करना। जब तुम अच्छे से पढ़ लिख लोगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। शालू की माँ ने कहा, फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी करा देंगे, अच्छे घरों के लड़के आजकल पढ़ी लिखी ही लड़की चाहते हैं। तो नमन बोला, शहर में यह मेरी निगरानी में रहेगी, तो मैं इसे दिन रात पढ़ाकर इतना होशियार बना दूंगा कि यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कों पर भारी पड़ेगी। शालू की माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर नमन को खाने के लिए दिए। वो बातें करते करते खाना खाते रहे। रात के 10:30 बज गए थे, तब उन्होंने ऊपर के कमरे में उसके सोने का इंतजाम कर दिया। जब नमन सोने जाने लगा तो सुमन बोली, दो पलंग है कमरे में, शालू तुम भी वहीं सो जाना, कल तुम दोनों को निकलना है तो तुम शहर के हाव भाव, रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में नमन से अच्छी तरह पूछ लेना। शालू मुस्कुराते हुए बोली, माँ, जब से नमन घर आया है तब से मैं सारी बातें की जानकारी ले चुकी हूँ, पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन अब नमन ने मुझे इतना कुछ बता दिया है कि अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। यह सुनकर सुमन बहुत खुश हुई। वे दोनों सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में चले गए। कमरे के अंदर जाते ही जैसे कई दिनों का भूखा खाने की थाली पर टूट पड़ता है, वे दोनों भी एक दूसरे पर वैसे ही टूट पड़े। शहर पहुंचकर नमन ने शालू को नए कपड़े लाकर दिए। उन कपड़ों को पहनकर शालू किसी फिल्म हीरोइन की तरह लगने लगी। नमन ने एक दिन अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला भी करा दिया था। जब वो कॉलेज जाने लगी
तो नमन ने उसकी दोस्ती अपने कई अमीर दोस्तों से करा दी। शालू की भी कई सहेलियां बनी। शालू ने भी उन सबकी दोस्ती नमन से करा दी। सीधी सादी गांव की लड़की शालू शहर के चकाचौंध में ऐसी रम गई कि दिन में वह कॉलेज जाती और रात में नमन और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती। शालू जब दूसरी लड़कियों की तरह बन सवर कर अपने गाँव लौटती तब गांव के सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते। उसके ठाट बाट देखकर गांव की उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से शहर जाकर पढ़ने की जिद करती थीं। अब नमन शालू के गांव की सहेलियों के साथ भी जुड़ गया था। शालू की तरह ही उसने गांव की दूसरी लड़कियों को भी प्यार का चस्का लगा दिया था।